हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज देखेंगे टॉप 10 एरर। बहुत सारे एग्ज़ाम में, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें स्पॉट द एरर की क्वेश्चन आती है, तो उन सारे में ये हेल्पफुल होंगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 10/10 आपके कितने करेक्ट हुए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप 10 कॉमन एरर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रूएल रेडी मेड हर स्टॉप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। अब बताओ इसमें किस पार्ट में एरर है, ए में, बी में, सी में, या फिर डी में। देखिए यहाँ पे एरर है बी में। क्यों एरर है? क्योंकि जब भी मेड या फिर मेक, मैं क्या बताया, मेड या फिर मेक या फिर लेट, इसके साथ अगर हम लोग V1 यूज़ करते हैं, 2+V1 यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, सिर्फ डू होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मेड, मेक और लेट के बाद हम लोग सीधे V1 यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस V1, 2 नहीं लगेगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। माई सिस्टर आस्क मी डैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। अब ये देखो क्वेश्चन नरेशन का है, तो बहुत इजी है फ्रेंड्स। देखिए WH, जब भी WH फैमिली के पहले कभी भी डैट नहीं लगता है। WH फैमिली की मैं बात करूँ तो हमारा होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, ठीक है, और हाउ। तो ये हमारा WH फैमिली के पहले कभी भी डैट नहीं लगता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्शन टू ऊटी ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब देखो एक वर्ड्स आया बहुत अच्छा, एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का मतलब होता है आनंददायक ट्रिप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो जब भी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुटा हो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है द टीचर और द स्टूडेंट, तो एज वेल एज से जब भी दो सेंटेंस जुड़ा हो तो हम लोग पहले वाले वर्ब के, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लेते हैं। तो हमारा पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हैज़ नहीं होगा हमारे दोस्तों, हैज़ होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एज वेल एज से जब भी कोई दो सेंटेंस कनेक्टेड हो तो वर्ब जो है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एरर है बी पार्ट में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द US डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। नो, इसमें बताओ कहाँ पे एरर है। तो इसमें एरर सिंपली है बी, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि द US क्या है हमारा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर में हम लोग क्या करते हैं, डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा, डज नॉट होगा। ठीक है, प्लूरल में डू का यूज करते हैं, सिंगुलर में डज का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू कैन ईट एज मच यू लाइक एट द न्यूली लंच बार। आप जितना चाहो उतना खा सकते हो एक नया लंच बार में। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे एरर है। देखो यहाँ पे लंच बार की यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लंच बार अपने आप में क्या, एक जगह के बारे में बात कर रहा है, एक नाउन है यहाँ पे। ठीक है, तो नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो लंच बार जो है, तो नया लंच बार खुला है, तो न्यू तो एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन जब यहाँ पे एलवाई लग गया, तो जब हम लोग किसी भी वर्ब में एलवाई लगाते तो वो एडवर्ब हो जाता है, तो ये एडवर्ब का काम करता है। तो न्यूली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये हमारा न्यूली नहीं होगा बल्कि न्यू होगा, तो हमारे इस पार्ट में एरर है। ठीक है, क्योंकि लंच बार हमारा नाउन है और नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे दे दिया है एडवर्ब एलवाई लगा के। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लेड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ़ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। नो एरर। बताओ इसमें कहाँ पे एरर है।
देखिए यहाँ पे मैंने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग कॉमन एरर बनाते हैं तो इसमें दो चीज़ जरूर चेक करते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन एरर में दो चीज़ रहता है, पहला हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट चेक करते हैं और दूसरा हम लोग टेंस को चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये दोनों चीज़ चेक करते हैं, ठीक है, ये इसका बेसिक है। तो देखो इन इंडिया है वर्किंग वुमेन, ये वुमेन के बारे में बात की जा रही है, लेड अ लाइफ ऑफ ए ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। इफ़ दे आर, देखो वर्ब हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है, एंड हैव हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात किसके विषय में की जा रही है, वुमेन के बारे में, तो वीमेन तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया ना, क्योंकि वीमेन का प्लूरल क्या होता है, डब्ल्यू ओ एम ई एन होता है, तो यहाँ पे एरर है, वुमेन नहीं होगा, वीमेन होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट वर्ब से अगर एरर नहीं है तो टेंस से हम लोग देखते हैं मैक्सिमम केस में। देखो वाज क्या है हमारा, एक पास्ट शो करता है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बात करूँ तो वी फाइंड, तो यहाँ पे फाइंड ना हो करके हमारा क्या होगा, फाउंड होगा, क्योंकि हमारा तो सेंस जो है वो पास्ट में जा रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे एरर बी पार्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक, यहाँ पे कहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे सिंपली ए पार्ट में एरर है। क्यों है, क्योंकि लास्ट जहाँ पे भी देखोगे आप, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट ईयर, ठीक है, तो जहाँ पे भी लास्ट देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू, सिंपल पास्ट, ठीक है। जहाँ भी लास्ट लगाओ हम लोग स्ट्रक्चर क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट, ये सब याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे दे प्लेड हो जाएगा सीधा, हैव की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन, ठीक है। देखो फिर से वही रूल, मैंने क्या बताया था, मेक, मेड और लेट, इसके बाद जो वर्ब आता है वो टू नहीं लगता है, इसमें सीधा डू होगा, टू यहाँ पे नहीं होगा। मैंने ये बताया था मेक, मेड, बहुत रूल रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन, और लेट, इसके बाद जो है सब्जेक्ट प्लस बी वन, मतलब बी वन यूज होता है, टू नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेनी ओवर से स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। देखो यहाँ पे बहुत कॉमन एरर है, क्या है कि द ग्रेट ब्रिटेन नहीं होता है, ठीक है, सीधे ग्रेट ब्रिटेन हुआ। द कहाँ पे लगता है, तो द हमारा लगता है द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही 10 कॉमन एरर, बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप 10 बाय 10 कितना सही कर पाए।